उपस्थिति में प्रभु के दास के द्वारा काफी मात्रा में वचन दिया गया और अब इस वचन पर प्रभु आशीष दें, रक्षा करें और हम जो जितने हैं जीवित हम लोग भी प्रभु के राज के लिए तैयार हो, और जो जितने आज तक उद्धार नहीं पाया, परिवार के लोग प्रभु को नहीं पाया, सो आप लोग भी प्रभु के लिए अपना हृदय खोलें और प्रभु के राज के लिए तैयार हो जाइए। एक दिन हम जरूर हमारे बहन लिडिया के पास हम लोग मिलने वाले हैं। अब हमारे जितने भी प्रभु के दास लोग विभिन्न जगह से आए, हमारे प्रभु के दासी लोग, हमारी दीदी बहन लोग, माँ, जितने लोग हैं, पिता लोग, हम आप लोग को भी स्वागत करते हैं इस सेवकाई में। इस दुख की घड़ी में आप लोग ने यहाँ पर आकर सहयोग पहुंचाया, हम धन्यवाद देते हैं। और विशेष ये बहन का दफन क्यों यहाँ पर होने इस प्रकार से हो रहा है, कितनों का मन में शायद अच्छे प्रकार से इस बात को आप लोग नहीं समझे होंगे, मैं थोड़ी छुटकारी में मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। विशेष प्रकार से ये बहन बर्निंग हार्ट बर्निंग बुश मंडली में संगति करने वाली बहन है और अभी कभी 9-10 साल से इन्होंने प्रभु को पाई है। और ये जो लिडिया बहन पहला प्रभु पाने के आगे ही उन्होंने शादी कर चुकी थी, पर ऐसे ही उनकी फैमिली में कुछ समस्या हुआ, उनका हस्बैंड प्रभु को न पाने के कारण कई साल के बाद उन्होंने छोड़ दिया। पर इस बहन प्रभु को पाई थी और इनका घर जो है बहुत देहात में है, बहुत पहाड़ में जाना पड़ता है, जहाँ पर अभी हमारे भाई बेंजामिन बहन सारा लोग रहते हैं, और वहाँ से इतने दूर से प्रभु के संगति में बराबर संडे के दिन में बहन संगति में आती थी। जब उनका तबीयत ठीक होता था कभी सेवा में वो एब्सेंट नहीं करती थी, वो सेवा संगति में बहुत ही अच्छी बहन थी। और इतना ही नहीं, उसका गवाही बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारे ब्रदर राजू भी उनका जीजा है, बहन उमा दीदी है, और हमारे भाई बेंजामिन और बहन सारा, और हमारे यहाँ पर इकुमया दीदी आई है, उनके भतीजी मंजू बहन है। सो उनके बारे में कभी भी बुरे बात हमने नहीं सुना, वो सब परिवार के साथ में मिलजुल कर अच्छा गवाही रखकर और प्रभु के सेवा संगति में बराबर वो अच्छी बहन थी। और वो बहुत कठिन के साथ जीविका करती थी, वो छोटी से अपना एक घर था, घर है अभी भी, उसी घर में रहकर और पशुपालन करके मुर्गी बकरी ऐसा पालन पोषण करती थी, और इस दुख तकलीफ के बीच में से प्रभु को आदर देती थी। क्योंकि मैं इस बात को बोलने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहन कभी कभी उनका दुख तकलीफ होने से थोड़ा सहयोग मंडली से, बहन आपका क्या है तकलीफ है बोलने से भी वो बहुत खुश के साथ में, नहीं प्रभु मुझे सहायता कर रहा है दादा, मैं ठीक हूँ, ऐसा बोलती थी। और इतना ईमानदार और विश्वास योग्य बहन थी, जैसा परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार पहले के जमाना में जब प्रेरितों के सामने कुछ भेंटी लेकर प्रभु के लोग लेकर देते थे, इसी प्रकार से ये बहन इतना प्रभु के लिए ईमानदार थी, विश्वास योग्य थी, वो कभी मुर्गी बिक्री करती थी तो कभी बकरी बिक्री करती थी, थोड़ा थोड़ा प्रभु के भाग जो है उसमें से वो जमा करके, वो ऐसे गरीबी अवस्था में भी, अपना कठिन परिस्थितियों में भी वो आकर मुझे मिला करती थी, दादा मैंने मुर्गी बिक्री किया था, ये प्रभु का भाग है। कभी कभी बोलती थी, दादा मैंने बकरी बिक्री किया है, इतना प्रभु के भाग मैंने रखी थी, तो मैं आप ये प्रार्थना कर दीजिए। इस प्रकार से मतलब प्रैक्टिकली एक विश्वासी बहन थी, यदि भी बहुत लोग नहीं जानते थे उसको,
क्योंकि उसका घर दूर होने के कारण और आप लोग जाने से भी उनको मुलाकात नहीं होता था, पर प्रभु जानता है और मंडली में भी अच्छा गवाही, उनके व्यक्तिगत जीवन में भी और प्रभु के साथ में भी बहुत अच्छा संपर्क ये बहन का था। तो इसी प्रकार से अभी मैं लंबा नहीं करूँगा, तो अचानक ये ट्यूसडे का बात है, आफ्टरनून को उनको बीमार होने के कारण बर्नी हार्ट पीएचयू में उनको लेकर आया, तो उनके दीदी और परिवार लोग मिलकर, तो हमें खबर आया प्रार्थना सेवा के आगे कि बहन को इस प्रकार से ऐसा मेडिकल में एडमिट किया है। तो प्रार्थना सेवा था, हम लोग ने अनाउंसमेंट किया और उस रात को मैं नहीं जा सका, मेरा भी तबीयत ये कंडीशन सीरियस है, सो इसीलिए हम लोग नहीं रख सकेंगे, इनको शिलोंग ले जाइए बोलकर शिलोंग के लिए रिफर कर दिया। तो शिलोंग आते आते बहुत ही थोड़ा रात हो गया था, मुझे खबर मिला कि शिलोंग सिविल अस्पताल में बहन को एडमिट किया है। तो मैंने सोचा ठीक है, अभी रात हो गया, सुबह मैं शिलोंग शहरों में भी बताऊंगा और सभी जगह में प्रार्थना के लिए मैं कल बताऊंगा बोलकर मैंने सोचा और प्रार्थना करके प्रार्थना किया। तो सुबह क्या हुआ, तो इतना जल्दी शायद 5 भी बजा नहीं था तो मेरे को कॉल आया कि लिडिया बहन अब नहीं है। कति बजे थे बुरा, और 4 बजे प्रभु ने उठाऊंगा, हाँ 5 बजे ऐसे ही प्रभु ने उनको लेकर गया, प्रभु के पास हमारे बहन चली गई। तो हमने ये खबर को सुना, पर काल 15 अगस्त भी था और अचानक कैसे हम क्या करें, तो प्रार्थना किया, तो सभी लोग बातचीत किया, सबका ऐसे ही मन में स्वतंत्र हुआ। तो तुरंत ही मैं हमारे ब्रदर फिलिमन को मैंने बताया, ब्रदर ऐसा ऐसा बात है, वहाँ पर हमारे एक बहन को प्रभु ने उठाया सिविल अस्पताल में। ब्रदर ने भी बहुत सीरियसली इस बात को लिया और हमारे भाई पूर्ण को उन्होंने बताया, और हमारे भाई भी पूर्ण भी बहुत दौड़ धूप करके मेडिकल में गया, बहुत बातचीत किया। तो एक रात के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया मेडिकल में रखने के लिए। तो यहाँ से फिर शहरों से भी प्रभु के दास लोग सभी लोग का भाई लोग कभी ऐसा स्वतंत्र हुआ, इतने दूर क्यों लेकर जाना, फिर अप डाउन करना, हम लोग का इधर ही जगह है, कब्रिस्तान है, तो आप लोग आइए सभी लोग मिल के हम लोग करेंगे बोलकर यहाँ से भी इस प्रकार की सलाह मिला। तो बहुत ही प्रभु को धन्यवाद, और सैरोन मंडली को भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु के दास लोगों को, हमारे ब्रदर सिस्टर सभी लोग ने इस सेवकाई में अपने ही एक प्रभु यीशु मसीह के लहू की नाता की हमारे बहन होने के कारण आप लोगों ने इसको बहुत सीरियसली उसको सहायता किया हर बातों में, हर काम कार्ज में। प्रभु को धन्यवाद, आप लोग को भी धन्यवाद, और साथ साथ में प्रभु के दास लोग नाजरत से भी आए हैं, हमारे भाई संतोष और हमारे प्रभु के दास डिविता मंगदाजू, और साथ साथ में हमारे जो भी ब्रदर आमोस को भी बरसोरा से आने का मौका दिया, और हमारी स्थानीय मंडली बर्डिंग बस से आई और बहुत जगह में खबर दिया, जहीं कहीं से नहीं आ सका बिथेल से सुकत से प्रार्थना जरूर किया है, और मैंने इस बात को एलसदाई में भी बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो हम लोग जा रहे हैं, बहन का दफन है। उन लोग ने भी कहा ठीक है, प्रार्थना हमने लोग याद करेंगे, आप लोग जा इस सेवकाई को कीजिए। तो इस प्रकार से सभी बातों के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और विशेष हमारे यहाँ पर कॉन्ग जो है, जिनका घर में हम लोग हर समय यहाँ पर दफन की सेवा आने से हम लोग को आश्रय देती है, उसका घर दर द्वार खुला रखती है, हमारे लिए स्वागत करती है प्रभु के लोगों को, इसके लिए हमारे कॉन्ग को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके बेटी परिवार को प्रभु आशीष दें, और इस प्रकार से सभी विषय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अब एक एक नाम लेकर हम बोलने की जरूरत नहीं है, प्रभु जानता है, प्रभु सबको आशीष दें। अब हम लोग हमारे बहन को प्रार्थना करके हम लोग दफनाने के लिए लेकर जाएंगे, और उसके आगे भी एक वचन दो वचन पढ़ेंगे, हम लोग दफनाएंगे, क्योंकि वचन के आधार में हम लोग इस सेवकाई को करेंगे, और सभी प्रभु ने अच्छा मौसम भी दिया, सभी काम टाइमली हुआ है, सभी विषय के लिए भी प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। ये मेरा बात है, और अगर किसी को परिवार की ओर से उनके जीजा जी लोग हैं, दीदी लोग हैं,
अरे दो बार मौका देने से तो मैं भी तो कुछ बोलना था हमारे बहन हमारे साली के लिए। अगर आप लोग भी बोलना चाहते हैं तो 5 मिनट जैसा मैं समय देता हूँ ना, क्या है ना, बोल सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं बोलना अभी हो गया बोलने से आप लोग। बाय सब लोगों को आज के इस दिन से, कभी मत भूलना हमको यीशु के वो प्यार में, कभी मत भूलना हमको के तो वो जो होने के बाद ना सभी लोग हमारे कौम के घर में जाएंगे। साथ रहे हम दूर होंगे हम, साथ रहे हम दूर होंगे हम, इस दुनिया का तो यही हाल है, इस दुनिया का तो यही हाल है। बाय बाय सब लोगों को आज के इस दिन से, कभी मत भूलना हमको यीशु के वो प्यार में, कभी मत भूलना हमको यीशु के वो प्यार में। इधर ना मिलेंगे तो स्वर्ग में जरूर मिलेंगे, इधर ना मिलेंगे तो स्वर्ग में जरूर मिलेंगे, प्रभु के साथ सदा रहेंगे, प्रभु के साथ हम सदा रहेंगे। बाय बाय सब लोगों को आज के इस दिन से, कभी मत भूलना हमको यीशु के वो प्यार, कभी मत भूलना हमको यीशु के वो प्यार में। अरे भाई आपको बेची करना नहीं करना नहीं फिर से बादल में आने तक, यीशु फिर से बादल में आने तक, कभी भी हमको मत भूलना, कभी भी हमको मत भूलना हो। बाय बाय सब लोगों को आज के इस दिन से,
कभी मत भूलना हमको, यीशु के वो प्यार में कभी मत भूलना हमको, यीशु के वो प्यार में। आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल की आज्ञा ने की।